शत्रुघ्न सिन्हा की राह पे चल रहे दरभंगा के सांसद और बीजेपी के निलंबित नेता सांसद कृति आजाद ने आज दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस में जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे पार्टी ने निलंबित करके रखा है, 3 साल हो गए हैं, समय भी मुझे नहीं दिया जा रहा है मिलने का। तो चुनाव तो हम दरभंगा से लड़ेंगे ही, ऐसा हमारे समाज में और लोगों ने कहा है। तो दरभंगा से मेरा चुनाव लड़ना तय है और वह भी राष्ट्रीय पार्टी से, यह पक्का है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी से बन नहीं रही है, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। हमारी बीजेपी से कभी मनमुटाव नहीं था, लेकिन आज जिस प्रकार से परिस्थिति बनाई है उसमें दिखता है कि कुछ न कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने किसी पार्टी का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, वह भी अपने क्षेत्र से ही। चुनाव तो देखिए, हमने लोगों के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में हमारी बात हो रही है, सबने यही कहा है कि आप दरभंगा से ही चुनाव लड़े, और हमने भी तय किया है उन लोगों के कहने पर। जो भी दरभंगा के लोगों से बात हुई है, समाज से बात हुई है, हमने भी तय किया है कि चुनाव तो हम दरभंगा से ही लड़ेंगे। अब पार्टी ने सस्पेंड करके हमको रखा हुआ है, तो अगर वो सस्पेंड करके रखेगी तो फिर हमारे पास विकल्प भी हैं और हम उस विकल्प में जाएंगे। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ किए हैं, इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आने वाले दिनों में दरभंगा की सांसद कीर्ति आजाद 2019 में चुनाव कांग्रेस से ही लड़ सकते हैं। मैं भी एक आम जनता हूं, और जब हम एक आम जनता के रूप में उनको सुनते हैं तो राहुल गांधी जी के बातों में दम दिखाई देता है, और जिस प्रकार का कुशल नेतृत्व समय वो कांग्रेस का कर रहे हैं, वह अवश्य एक चुनौती भरा है और उसमें दम है। मोदी जी का अमित शाह का भाषण सुनते हैं तो क्या दिखता है? मोदी जी ने अपने भाषणों में बहुत आशा जगाई, उम्मीदें जगाई। 4 साल हो गए हैं, उन उम्मीदों पर कितना हम खरे उतरे हैं, चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात रही हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बात रही हो, स्मार्ट सिटी को लेकर के बात रही हो, या फिर 15 लाख रुपए जो प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आना था उसकी बात रही हो, और उसके अलावा अनेकों ऐसी बातें थी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, उसके पर कहां तक खरे उतरे हैं इसके बारे में भी पूछना एक हमारा कर्तव्य है, और लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।